जय हिंद स्टूडेंट्स, योर चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 18। टुडे वी विल डिस्कस ह्यूमन हार्ट। ओके, सो ह्यूमन हार्ट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। यू नो हार्ट इज अ मस्कुलर पंप। आपको पता है हार्ट क्या होता है? मांसपेशियों का बना होता है, उसमें बोन्स नहीं होते हैं। कार्डियक मसल्स का बना होता है हार्ट। हार्ट किससे बना होता है? कार्डियक मसल्स। यू नो मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स, मीन्स एक वॉलंटियल मसल्स होता है और एक अनवॉलंटियल मसल्स होता है और एक कार्डियक मसल्स होता है। कार्डियक मसल्स स्पेशल है, ये कभी थकती नहीं है, ये काम करती रहती है रैदमिक स्टेज में। ओके, सो कार्डियक मसल से बने होते हैं हार्ट। हार्ट कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड में, है ना? हमारे थोरैकिक पोर्शन में, रिब केज के लेफ्ट साइड में, मींस जो दोनों लंग्स हैं उसके बीच में हार्ट है। ये 12 सेंटीमीटर स्ट्रक्चर है। इसकी लेंथ मींस ये कितना लंबा होता है? 12 सेंटीमीटर का। चौड़ा कितना है? 9 सेंटीमीटर। इसकी मोटाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये आपने पिछले वीडियोज में देखा था। देखिए, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। मींस इसमें 4 चैम्बर्ड होते हैं, आर्ट्रियम होता है और वेंट्रिकल्स होते हैं। आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। आर्ट्रियम से वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो होता है और फिर ये बॉडी ऑर्गन को जाता है और फिर बॉडी ऑर्गन से ब्लड को लेकर के हार्ट में फिर ले आता है। इस तरह से ये फंक्शन आप इसमें आज देखोगे। सो ह्यूमन हार्ट पे हम डिस्कस करने वाले हैं। कम टू द पॉइंट, ये देखिए आप फैक्ट्स को यहां देखेंगे। द हार्ट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। आपको पता है कि हार्ट कैसा होता है? ट्रायंगुलर इन शेप। यू नो ट्रायंगुलर इन शेप मींस ये इस तरह से है। जैसे आप यहां पे देखिए, ये ऐसे, ये आपको ट्रायंगुलर हल्का सा दिखाई पड़ रहा होगा। इसको अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई का मतलब है जैसे आप विक्स की गोली देखते हो, ये ऐसे इस तरह से हार्ट है। ट्रायंगुलर आपको दिखाई पड़ रहा है ना, मींस इसमें जब आप हार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये फिर हम इसको यहाँ से अगर ऐसे इसको डिलीट कर दें, ऐसे मिटा दें, तो ये आपको हार्ट शेप में कुछ दिखाई पड़ रहा होगा। ये ऐसा हार्ट होता है। मीन्स यहाँ पर एक चैम्बर होता है ना, और यहाँ एक चैम्बर होता है। ये आपको दिख पा रहा है? मीन्स ऊपर की तरफ 2 चैम्बर हैं और नीचे की तरफ भी इस तरह से ऐसे, ये वेंट्रिकल बोलते हैं। नीचे के चैम्बर्स को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। देखिए आपको ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर दिखाई पड़ रहा है, पड़ रहा है ना? कौन से? ऊपर के 2 चैम्बर और नीचे के ये दोनों चैम्बर। सो ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इंटू 4 चैम्बर, 2 आर्ट्रियम, 2 वेंट्रिकल। अब देखिए, ये हमारा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। तो ये हार्ट का, देखिए हार्ट का ये वाला जो पार्ट होगा ये राइट साइड का होगा और ये लेफ्ट साइड का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? राइट आर्ट्रियम। ये क्या हो जाएगा? राइट आर्ट्रियम। और ये क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट आर्ट्रियम हो जाएगा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। मींस नीचे के ये 2 चैम्बर हैं, ये क्या है? वेंट्रिकल है। और ऊपर के ये दोनों चैम्बर को हम क्या बोलेंगे? आर्ट्रियम। चैम्बर का मतलब वो खोखला होता है। हार्ट जो होता है अंदर से उसमें कैविटी होती है, मींस वो खोखला होता है। और कितने खोखले भाग होते हैं हार्ट में? 4। 2 क्या है? आर्ट्रियम। और 2 क्या है? वेंट्रिकल। ऊपर के दोनों चैम्बर को हम क्या बोलेंगे? आर्ट्रियम। और नीचे में वेंट्रिकल। सो राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो कम टू द पॉइंट, ट्रायंगुलर इन शेप। देखिए आपको ये ट्रायंगुलर दिख पा रहा होगा, है ना? ऐसा ट्रायंगुलर। नेक्स्ट फैक्ट इज, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट इज कार्डियक मसल्स। यू नो मसल्स, वॉलेंट्रियल मसल्स, अनवॉलेंट्रियल मसल्स, कार्डियक मसल्स। मींस जो हमारे बॉडी में 639 मसल्स होती हैं, यू नो 639 मसल्स होती हैं, उसमें से हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन हम उसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं सभी को, है ना? उन तीनों का क्या नाम है? वॉलेंट्रियल,
इनवॉलेंटियल और कार्डियक मसल्स। तो जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो हार्ट में स्पेशली होती हैं और कहीं नहीं होती हैं। तो हार्ट किसका बना हुआ है? कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। कार्डियक मसल्स की इस क्वालिटी होती है, जैसे हम हाथ से अगर इस तरह से डंबल उठाएंगे तो हमारा हाथ थक जाएगा, हम 4 किलोमीटर दौड़ेंगे तो हमारे पैर के मसल्स थक जाएंगे, लेकिन कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता रहता है, मीन्स हमारा हार्ट बीट होता रहता है, वो कभी नहीं थकती हैं। अगर वो थक जाएंगे तो आदमी मर जाएगा। सो कार्डियक मसल्स से हार्ट बना होता है। नेक्स्ट फैक्ट इज द साइज ऑफ आवर हार्ट इज अबाउट ऑफ सम एज आवर एलोंगेटेड फिस्ट। मीन देखिए क्लैश फिस्ट मीन्स जैसे आदमी की बंद मुट्ठी होती है ना, बंद मुट्ठी ऐसे होती है, इसी बंद मुट्ठी के जैसे ही हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मीन्स ऊपर का ये चौड़ा भाग है, नीचे का ये पतला भाग है, ऊपर का ये चौड़ा और नीचे का ये पतला। सो हार्ट का स्ट्रक्चर आदमी के बंद मुट्ठी के जैसा होता है। नेक्स्ट फैक्ट इज द हार्ट हैज 4 chambers इनसाइड इट। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं आपने देख लिया, मीन्स यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 chambers इनसाइड इट। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, उनके नाम आपने देख लिए हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सो द अपर 2 chambers ऑफ हार्ट आर कॉल्ड आर्ट्रिया। आर्ट्रिया मीन्स ये दोनों को कंबाइन में बोला गया है, अगर एक को सिंगल बोलेंगे तो आर्ट्रियम बोलेंगे, ऊपर के दोनों को आर्ट्रिया बोलेंगे, मीन्स ये आर्ट्रियम, ये आर्ट्रियम, और नीचे के दोनों को क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल। ओके, एंड द लोअर 2 chambers ऑफ हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल, और नीचे के 2 chambers है उनको क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल। तो आपको आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, 2 ऊपर वेंट्रिकल, 2 ऊपर आर्ट्रियम और नीचे 2 वेंट्रिकल, कितने हो गए, 4। तो ह्यूमन हार्ट डिवाइडेड इंटू 4 chambers, ये फैक्ट क्लियर हुआ। सो द नेक्स्ट फैक्ट इज द लेफ्ट आर्ट्रियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू वॉल V1। अब देखिए यहां पर एक आपको एक फंडा समझना है, फंडा क्या है, फैक्ट क्या है, ये समझ लीजिए आप। ये देखिए राइट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इसको आप यहां से ऐसे 2 मिनट के लिए आप 2 पार्ट में कर दो सपोज, तो ये राइट साइड का अलग कर दो, लेफ्ट साइड का अलग, मीन्स राइट साइड का राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल का कनेक्शन होता है, मीन्स यहां पे एक होल होता है, मीन्स अगर यहां ब्लड आएगा इस होल से ब्लड यहां चला आएगा। और लेफ्ट साइड में देखते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम में भी एक ऐसा होल होता है जो लेफ्ट आर्ट्रियम ब्लड होता है वो ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में ले आ देता है, मीन्स राइट साइड का राइट साइड के वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है। लेकिन राइट का कोई भी पार्ट लेफ्ट से कनेक्टेड नहीं होता है, मतलब ये दोनों कनेक्टेड नहीं होते हैं चैम्बर, ये दोनों कनेक्टेड नहीं होते हैं चैम्बर। कनेक्टेड कौन होता है, ये दोनों चैम्बर कनेक्टेड होते हैं और ये दोनों चैम्बर आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल में एक वॉल्व लगा होता है, वॉल्व लगा होता है, यू नो वॉल्व, किसी भी चीज को आने देना लेकिन वापस ना जाने देना, किसी भी चीज को आने देना लेकिन वापस ना जाने देना, उसे बोलेंगे वॉल्व, है ना। जैसे आप नल में देखते हो चिक वॉल्व लगा होता है जो नल में पानी को नीचे से आने तो देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता है, वहीं पे रोक के रखता है। तो वॉल्व का मतलब आप समझ गए होंगे, वॉल्व का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे ब्लड अगर भर गया, अगर ये राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला गया तो वापस नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्व लगा हुआ है। वैसे ही लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ब्लड है वो लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर चला गया तो वापस यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ भी वॉल्व लगा हुआ है। तो फैक्ट क्या कहता है, द लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम मतलब ये है ना, इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, मीन्स ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से ऐसे कनेक्टेड है, यहां पे वॉल्व लगा हुआ है V1, जिसको हम क्या नाम देंगे, V1। ओके, और वैसे ही राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, यहां पे एक वॉल्व है उसका नाम है V2। अब हम V1 V2 का नाम देख लेते हैं, ये है बाइक स्पीड वॉल्व, ये क्या है, बाइक स्पीड वॉल्व हार्ट में लेफ्ट साइड में होगा, और ट्राइक स्पीड वॉल्व, यू नो ट्राइक स्पीड वॉल्व राइट साइड में होगा।
तो राइट अट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल होगा? ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल। इसको हम मिट्रल वॉल्व के भी नाम से भी जानते हैं, जो राइट साइड में मिलेगा। तो ट्राइकस्पिड वॉल यहां राइट साइड में और बाइकस्पिड वॉल लेफ्ट साइड में। ये वॉल्व का क्या काम है? ये आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आने तो देते हैं लेकिन वापस नहीं जाने देते हैं। सो कम टू द पॉइंट, द लेफ्ट आर्ट्रियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू वॉल वी वन। सिमिलरली इसी तरह राइट आर्ट्रियम इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू अनदर वॉल वी टू। तो राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल से, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है वॉल्व के थ्रू। उन वॉल्व के क्या नाम है? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, नेक्स्ट, द वॉल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू आर्ट्रिया व्हेन द वेंट्रिकल कंटेक्शन पंप फ्लड थ्रू द हार्ट टू द रेस्ट। देखिए, ऑफ द बॉडी मींस ये कहना क्या चाहता है, इस वॉल्व का क्या काम होता है। ओके, इन वॉल्व का, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व का क्या काम होता है? इनका काम होता है कि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। ब्लड के बैक फ्लो को ये क्या करेंगे? रोकेंगे वॉल्व्स। ओके, इनका क्या काम होता है? ये राइट वेंट्रिकल से, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने तो देंगे लेकिन वेंट्रिकल से फिर आर्ट्रियम में वापस नहीं आने देंगे। चलिए हम इधर देखते हैं। देखिए, जैसे यहां पे हमने यहां पे फ्लो कर दिया, जैसे इधर से ये ब्लड जा रहा है, ये ब्लड यहां पहुंच गया वेंट्रिकल में, यहां भर गया। आपको पता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट में। मीन्स हार्ट एक बार पचकता है और फूलता है, पचकता है और फूलता है इस तरह से। इसमें सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर होता है जो कार्डियक मसल्स की वजह से हो पाती हैं। सो कम टू द पॉइंट, तो जब ये इस तरह से, और इसमें रिदमिक पोजिशन होता है हार्ट जो है, देखिए 0.3 सेकेंड में सिस्टोलिक होगा और 0.5 सेकेंड में डायस्टोलिक प्रेशर होगा। मींस इसको अगर हम प्लस करते हैं दोनों को, एक बार पचकने को एक बार फूलने को, यू नो, एक बार हार्ट जब पचकेगा और एक बार जब फूलेगा, उसको हम एक हार्ट बीट बोलेंगे, है ना, वन हार्ट बीट। तो वन हार्ट बीट कितनी देर में होगा, काउंट करते हैं, 3 to 5, 8 हो गया पॉइंट, यानी 0.8 सेकेंड में एक हार्ट बीट कंप्लीट होगी। मींस एक सेकेंड से भी कम समय लगता है, एक सेकेंड से भी कम समय लगता है एक बार हार्ट बीट होने में। सिस्टोलिक होगा 0.3 सेकेंड में, डायस्टोलिक होगा 0.5 सेकेंड में, इस तरह से 0.8 सेकेंड में क्या हो जाएगा, एक हार्ट बीट कंप्लीट होगा। इस तरह से 72 to 75 पर मिनट हार्ट बीट होता है। मीन्स हृदय की जो धड़कन होती है ना, हार्ट की जो बीट होती है वो 75 पर मिनट होता है। एक मिनट में 75 बार हृदय धड़कता है लगभग। ओके, सो कम टू द पॉइंट, उस धड़कन में, उस बीट में क्या होता है, हार्ट के जो आर्ट्रियम है और जो वेंट्रिकल है वो पिचकते हैं और फूलते हैं, पिचकते हैं फूलते हैं इस तरह से। तो यहां पे क्या होता है, जैसे सपोज दैट यहां ब्लड पूरा भर गया, अब जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब ये चिपकेगा इसमें, तो इसका जो ब्लड होगा वो कहां चला आएगा, वेंट्रिकल में चला आएगा, और वेंट्रिकल में चला आएगा फिर इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये ब्लड कहीं कहां जाएगा, वापस नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहां ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा हुआ है। तो ये कहां जाएगा, ये ऊपर को निकल जाएगा लंग्स में। मींस एक पल्मोनरी यहां पे अर्टरी होती है जो लंग्स में निकल जाता है ब्लड को लेके। और आपको पता होना चाहिए राइट साइड में, हार्ट के राइट साइड में CO2 वाला ब्लड होता है। राइट साइड में कैसा ब्लड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मींस इम्प्योर ब्लड होता है हार्ट के राइट चैम्बर्स में। मींस राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जबकि लेफ्ट साइड में, हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मींस O2, मींस ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, मींस प्योर ब्लड होता है। मींस हार्ट के राइट साइड में इम्प्योर ब्लड और लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के चैम्बर में प्योर ब्लड होता है, यू नो। चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं, इस तरह से हम समझते हैं इसको, ये होता कहाँ पे है, हार्ट जो है वो होता कहाँ पर है। ओके,
चलिए हम एक यहाँ फिगर बनाते हैं। जैसे आपको पता है कि थोरैकिक पोर्शन, आपने रिब केज को पढ़ा है ना, रिब केज मतलब, रिब केज का मतलब जो हमारे चेस्ट में जो रिब केज है, जो रिब से बना है, पसलियों से बना है। जैसे हम यहाँ पे देखिए, ये गले का पोर्शन हमने बना दिया, ठीक है, ये किसी का गला है, और ये शोल्डर का पोर्शन है। ये क्या है, ये शोल्डर का पोर्शन है। यहाँ से हाथ निकलेंगे, है ना, यहाँ से क्या निकलेगा, हाथ निकलेगा, और ये पोर्शन जो है ये थोरैकिक पोर्शन है। ये कौन सा पोर्शन है, थोरैकिक मीन्स चेस्ट वाला पोर्शन है, और ये शोल्डर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से आपको दिखाते हैं, हार्ट जो है लेफ्ट साइड में, मीन्स बीच में, अगर ये इस तरह से हम इसको बीच में ऐसे डिवाइड करेंगे तो हार्ट जो है हमको यहाँ मिलेगा। देखिए ये इस पोजीशन में हार्ट यहाँ पर होता है, तो आप देख पा रहे होंगे ये लेफ्ट साइड में ज़्यादा है। लेफ्ट साइड में मतलब जैसे ये आपका हार्ट हो गया, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, दोनों ऊपर के आर्ट्रियम और दोनों नीचे के वेंट्रिकल, तो ये क्या करता है, यहीं से पंप करता रहता है ब्लड को, ब्लड को वेसल्स में फ्लो कराता रहता है, और वेसल्स से ही अपने अंदर ब्लड को लेता भी रहता है। आपने इसके नाम देख लिए हैं ना, ऊपर के ये राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपने चारों पार्ट्स मीन्स हार्ट के देख लिए हैं, चारों चैम्बर्स को। ये होता कहाँ पे, जैसे अभी मैं आपको बताऊँ, एक बोन होता है, स्टर्नम नाम है उसका, क्या नाम है, स्टर्नम, जो आगे यहाँ पे होता है, 16 सेंटीमीटर का होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक बोन यहाँ ऐसे होगा सबके पास, इस बोन का नाम होता है स्टर्नम। स्टर्नम के देखिए ये बीच में होता है, तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, जाहिर सी बात है हार्ट जो है लेफ्ट साइड में है, और जो लंग्स होता है वो दोनों, जो हार्ट होता है वो दोनों लंग्स के बीच में होता है। मीन्स जैसे ये आपने लंग्स को पढ़ा था, फेफड़ों को, है ना, लंग्स को आपने कैसे पढ़ा था, लंग्स ये देखिए ऐसे, एक लंग्स यहाँ पे है और दूसरा लंग्स कहाँ पे है, ऐसे, ये दो फेफड़े हैं आपके पास, दोनों फेफड़ों के बीच में होता है ये हार्ट। ओके, आप देख पा रहे हो ना, लेकिन लेफ्ट साइड में होता है, तो ये हार्ट यहाँ पे है। और दूसरी बात ये मैं बताऊँ आपको, स्टर्नम से ये जो इसका वेंट्रिकल वाला पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर की दूरी होती है, इसीलिए यहाँ पे तिरछा होता है, ट्रायंगुलर होता है। ओके, यहाँ पे इसे लटका होता है, और सुनिए, पेरिकार्डियम मसल से ये जो है वहाँ पे टंगा होता है, किससे टंगा होता है, पेरिकार्डियम मसल्स से। एक्चुअली ये कार्डियक मसल्स का बना हुआ है, यू नो, हम कार्डियोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन हार्ट को कार्डियोलॉजी। जब हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं तो वो ब्रांच होती है एक जूलॉजी की, कार्डियोलॉजी, उसमें हम हार्ट को ही पढ़ेंगे। मीन्स कौन से ऑर्गेनिजम्स के हार्ट में कितने चैम्बर होंगे, कितने हार्ट होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, जो मछलियां होती है, फिशेस, उनके पास जो हार्ट होता है उसमें दो ही चैम्बर होता है, मीन्स एक आर्ट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। आप एनिलिडा फाइलम में फेरिटीमा पोस्थोमा को पढ़े होंगे, यू नो फेरिटीमा पोस्थोमा, केंचुआ, अर्थवर्म को बोलते हैं, उसके पास चार हार्ट होता है, कितने होते हैं, 4 हार्ट होता है, और हर हार्ट में दो दो चैम्बर होता है, प्रत्येक हार्ट में दो दो चैम्बर होते हैं। कॉकरोच का नाम सुना आपने, प्लैरिप्लैनेटा अमेरिकाना, है ना, कॉकरोच, उसके पास 12 हार्ट होते हैं, कितने, 12 हार्ट होते हैं। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स, हमारे पास कितने हैं, एक हार्ट है, हमारे पास केवल सिंगल हार्ट है, लेकिन वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। बट ह्यूमन बींग्स में 4 चैम्बर होते हैं, एक हार्ट होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कहाँ ये होता है, और ये रिब केज में, यू नो, रिब केज में सुरक्षित होता है, ये प्रोटेक्टेड होता है। जैसे आप पढ़ोगे, ये स्टर्नम बोन आपको ये दिखाई पड़ रहा है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड होगा, उस स्पाइनल कॉर्ड से सी, देखिए जो रिब्स होती हैं वो सी शेप में होती हैं, कैसे होती हैं, सी शेप में ऐसे, तो 12 रिब्स इधर होती हैं, 12 रिब्स इधर होती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं, एक रिब्स आएगा इस तरह से यहाँ जुड़ा होगा, दूसरा आएगा यहाँ जुड़ा होगा, इस तरह से रिब्स जो है लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्शन देती हैं, 12 रिब्स इधर से और 12 रिब्स कहाँ से, इधर से। तो आप देख पा रहे होंगे एक पिंजड़ा जैसे बन गया, क्या बन गया, केज बन गया है। उस पिंजड़े जैसे बोन्स का क्या काम होता है, बोन्स हमारे डेलिकेटेड ऑर्गन्स को, मीन्स कोमल अंगों को प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षा देते हैं,
है ना। तो हमारा लंग्स और हार्ट जो है रिप, स्टर्नम और स्पाइनल कॉर्ड से बने हुए रिप केज में प्रोटेक्टेड होता है, मीन सुरक्षित होता है। तो यहाँ भी ये आप देख पा रहे होंगे। सो हम नेक्स्ट फैक्ट लेके आते हैं अगली स्क्रीन में हार्ट से रिलेटेड। ओके, जैसे भी आप यहाँ पे देखना चाहो, जैसे हार्ट का फंक्शन क्या होता है, अभी हम यहाँ पे इसको ऐसे डिलीट कर दें, इसको मिटा देते हैं दो मिनट के लिए। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को समझ पाओगे ठीक तरीके से। जैसे देखिए, आपने वेसल्स तो पढ़ा था, यू नो वेसल्स, ब्लड वेसल्स, हाँ, अर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, जिसमें ब्लड फ्लो होता है, ब्लड को भी आपने पढ़ लिया। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब हार्ट को आप देखोगे, जैसे हार्ट में आपने देखा कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है, फोर चैम्बर्ड में डिवाइडेड होता है। ह्यूमन हार्ट क्या होता है, फोर चैम्बर्ड में डिवाइडेड होता है, मीन्स विभक्त होता है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, जैसे ये मीन्स आप सपोज करो ये एक चैम्बर है, ये क्या है, एक चैम्बर है, और ये है दूसरा चैम्बर, मीन्स ये राइट साइड का है ना। हम इसका नाम, हमने इसका नाम क्या दे दिया था, राइट अल्ट्रियम, है ना, और ये राइट वेंट्रिकल है ना। और यहाँ पे देखिए एक चैम्बर और आपको दिख पा रहा होगा, और इसके ठीक नीचे एक चैम्बर लगा होगा ऐसा। ओके, तो ये क्या है, लेफ्ट अल्ट्रियम, ये लेफ्ट अल्ट्रियम, राइट अल्ट्रियम, लेफ्ट अल्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपको दिख पा रहा होगा, है ना। तो ये फोर चैम्बर्ड है। अब आपको पता है पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मीन्स इम्प्योर ब्लड को कौन लेके आता है, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आता है, वेन्स लाती हैं। कौन लाती हैं, वेन्स। जैसे सपोज दैट ये एक वेन्स आ रहा है, इसमें आएगा, सपोज दैट ये वेन्स है ना, इसमें आएगा। वेन्स को आप किस कलर से बनाए थे, ब्लू कलर से बनाए थे, किस कलर से, ब्लू कलर से। वेन्स बनता कैसे है, पतले पतले वेन्स से मिलके एक मोटा वेन कावा बन जाता है, मीन्स पतले पतले वेन्स आएंगे, इसमें मिलके एक मोटी वेन्स बनेगा, वेन कावा, जो पूरे इम्प्योर ब्लड को, इम्प्योर ब्लड मीन्स CO2 वाला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स इम्प्योर ब्लड को वेन्स जो क्या करेगा, ये है वेन्स, क्या है, वेन्स। वेन्स इम्प्योर ब्लड को लाके कहाँ छोड़ेगा, हार्ट के किस पार्ट में, ये आप देख पा रहे होंगे, राइट अल्ट्रियम, मीन्स यहाँ पे कैसा ब्लड आ गया, इम्प्योर ब्लड आ गया, इस राइट अल्ट्रियम में इम्प्योर ब्लड आ गया। कौन ले आया, वेन्स ले आया, कहाँ से ले आया, पूरे बॉडी से, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मीन्स CO2 वाले ब्लड को ले आ करके वेन्स ने कहाँ छोड़ दिया, हार्ट के राइट अल्ट्रियम में। अब सुनिए, राइट अल्ट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, मीन्स जब ये पचकेगा, तो यहाँ का ब्लड कहाँ जाएगा, वापस तो जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ वॉल्व लगा हुआ है हाफ मून शेप में, और आपको पता है कि वेन्स में वॉल्व होते हैं, अल्ट्री में वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये ब्लड चला आएगा, ये जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ चला आएगा, देखिए यहाँ चला आया है ब्लड, पूरा भर गया इसमें। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ भी, तो ये ब्लड वापस नहीं जा सकता, मीन्स ये ब्लड यहाँ से आएगा, यहाँ इस तरह से चला आएगा, लेकिन ये ब्लड वापस नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्व लगा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्या नाम बताया था, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये ब्लड यहाँ आ गया, मीन्स राइट अल्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल से राइट अल्ट्रियम में वापस नहीं जा पाएगा, तो कहाँ जाएगा, यहाँ से एक ब्लड वेसल्स इस तरह से निकली होती हैं, ऐसे देखिए एक ब्लड वेसल्स है, ये स्पेशल है थोड़ा सा, ये ब्लड वेसल्स स्पेशल है। तो ये जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ निकल जाएगा, इस तरह से लंग्स में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। देखिए हम इसके बॉडी का फ्लो बना देते हैं ये ऐसे ब्लड में। तो ये देखिए राइट वेंट्रिकल से जो इम्प्योर ब्लड था, देखिए यहाँ कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड लिया हुआ है,
मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये जो इम्प्योर ब्लड है ये कहाँ पे जाएगा, ये चला गया लंग्स में। कहाँ चला गया, ये लंग्स में। हम यहाँ पे लिख देते हैं लंग्स, एक लंग्स यहाँ पे है, एक लंग वहाँ पे है। तो ये लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, ये डिवाइड हो करके कैपिलरीज फॉर्म में आएगा। कैपिलरीज क्या करेंगे, इस CO2 को लंग्स में रख देंगी और वहां पर जो ऑक्सीजन होगा, हम इनहेल करके क्या करते हैं, लंग्स में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, है ना, एटमॉस्फेयर से। तो वहां पर जो ऑक्सीजन होगा, कैपिलरीज में ऑक्सीजन का चेंजेस होगा, फिर कैपिलरीज बन के एक फिर से एक मोटी वेंस बना लेंगी। ये देखिए वेंस ये बन गया, ये वेंस यहाँ पे आ गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। मीन्स इसमें क्या मिल गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ मिला, लंग्स में। ये ऑक्सीजन मिल गया, ये ऑक्सीजन कहाँ चला आया, ये ऑक्सीजन चला आया हार्ट के लेफ्ट साइड में। मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके ये जो पाइप है ये कहाँ चला आया, इस हार्ट से भी और इस हार्ट से भी, दोनों हार्ट से ये ब्लड लाके इसमें भर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहां से आया, लंग्स से आया। ओके, कम टू द पॉइंट, हम जानते हैं कि वेंस में कैसा ब्लड फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस इम्प्योर ब्लड। लेकिन जो हार्ट से लंग्स की तरफ जाती है, जो हार्ट से लंग्स की तरफ मींस, ये देखिए राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, ये जो ब्लड वेसल्स है इसको हम नाम देंगे पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम देंगे, पल्मोनरी आर्टरी। आपको पता है कि आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है, सिंगल आर्टरी ऐसी है जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। तो वो आर्टरी कौन सी है, वो आर्टरी है राइट वेंट्रिकल से निकलता है और लंग्स को जाता है, इम्प्योर ब्लड को लेके जाता है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। यू नो पल्मोनरी जो वर्ड है वो लंग्स के लिए यूज होता है, और आर्टरी यहां पे इम्प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है, और जो लंग्स से ब्लड को लेके आ रही है हार्ट में। ध्यान दीजिएगा, एक तो हार्ट से ब्लड को लेके गया था लंग्स में, वो पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन जो लंग्स से ब्लड को लेके आ रहा है हार्ट में, और वो ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है। मीन्स उसमें क्या मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिला हुआ है। मीन्स वो प्योर ब्लड है, मीन्स लंग्स से प्योर ब्लड को लेकर के आ रहा है ये जो वेसल्स, इसका नाम होगा पल्मोनरी वेन्स। क्या नाम है, पल्मोनरी वेन्स। देखिए हमेशा वेन्स में क्या होता है, वेन्स में इम्प्योर ब्लड ही फ्लो होगा, लेकिन पल्मोनरी वेन्स जो है, जो लंग्स टू लेफ्ट आर्ट्रियम तक है, उसमें क्या होगा, प्योर ब्लड फ्लो होगा, उस वेंस में प्योर ब्लड फ्लो होगा, बाकी सभी वेंस में कैसा होगा, इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। अब देखिए, जब यहाँ पे प्योर ब्लड पूरा भर गया लेफ्ट आर्ट्रियम में, तो ये इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये इस होल से कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड भर चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड भर चुका है। ओके, तो यहां से वापस तो जा नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि यहां भी एक वॉल्व लगा हुआ है जिसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। क्या नाम है, बाइकस्पिड वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व की तरह ही ये भी बाइकस्पिड वॉल्व, जो ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, वापस उसको नहीं जाने देता, आने तो देता है, मीन्स वेंट्रिकल से ब्लड वापस नहीं जा सकता, आर्ट्रियम से आता है, वेंट्रिकल से वापस नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि वॉल्व लगा हुआ है। वॉल्व का क्या नाम है जो लेफ्ट साइड में होता है, बाइकस्पिड वॉल्व। क्या नाम है, बाइकस्पिड वॉल्व। तो बाइकस्पिड वॉल्व की वजह से लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है वो वापस लेफ्ट आर्ट्रियम में नहीं जा पाता। तो क्या होता है, जब इसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है तो एक ब्लड वेसल्स यहां से भी निकलती है। ध्यान दीजिएगा, एक ब्लड वेसल्स यहां से निकलती है, मोटी ब्लड वेसल्स होती है वो, उसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और वो इस तरह से पूरे बॉडी में पीछे के रास्ते से इधर से निकलेंगी, और ये प्योर ब्लड को लेके देखिए निकल रहा है ना, ये देखिए प्योर ब्लड इसमें जा रहा है,
और ये पीछे के रास्ते से, पीछे के रास्ते से यहाँ से है ना, उधर पीछे से निकलेगा इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, ये देखिए प्योर ब्लड लेके जा रहा है। प्योर ब्लड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है, जिस ब्लड में मीन्स जिसमें O2 है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्योर ब्लड। कहाँ से निकल रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के पूरे बॉडी में फ्लो हो जाता है, इस तरह से पतली पतली नलियों में डिवाइड हो जाता है। इसको बोलते हैं मेन आर्टरी। क्या बोलेंगे? मेन आर्टरी। अब देखिए ध्यान से, आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, ये आपको पता चल गया। वेन्स में हमेशा क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, ये आपको पता चल गया। तो बॉडी में जितनी भी आर्टरी हैं सब में प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जितनी भी वेन्स हैं सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स CO2 वाला ब्लड। बस केवल एक ही अपवाद है यहाँ पे, क्या? ये जो लंग्स से हार्ट में होता है, जैसे ये जो आप ब्लू कलर से देख रहे हो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये जो रेड कलर से है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जाहिर सी बात है इसमें उल्टा है, ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होगा, बाकी सभी आर्टरी में प्योर होगा। पल्मोनरी वेन्स में प्योर ब्लड होगा, बाकी सभी वेन्स में इम्प्योर ब्लड होगा। ओके, तो ये ब्लड को लेके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहाँ पहुंच गई? बॉडी में पहुंच गई, बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच गई। ओके, बॉडी ऑर्गन से क्या होगा? कैपिलरीज फॉर्म में आ जाएगा। कैपिलरीज फॉर्म क्या करेंगे? CO2 को वहां से एब्जॉर्ब करेंगे, और जो ऑक्सीजन लिया रहेगा उसको वहीं पे रख देंगे। अब CO2 को एब्जॉर्ब करके वो क्या बन गया? इम्प्योर बन गया। अब इम्प्योर ब्लड वेन्स के थ्रू फिर से कहां पहुंचेगा? हार्ट में पहुंचेगा। हार्ट के किस पार्ट में पहुंचेगा? हार्ट के राइट आर्ट्रियम में पहुंचेगा। राइट आर्ट्रियम के बाद कहां जाएगा ब्लड? राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से वापस फिर आर्ट्रियम में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा हुआ है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा फिर? ये चला जाएगा लंग्स में। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जा करके CO2 को मीन्स रखेगा, ऑक्सीजन लेगा, मीन्स वहां पे ब्लड प्योर हो जाएगा, और वह प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां आ जाएगा? हार्ट में। हार्ट के लेफ्ट साइड में आ जाएगा, मीन्स लेफ्ट आर्टरियम में आ जाएगा। लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद वह प्योर ब्लड कहां पे जाएगा? वह प्योर ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वह लेफ्ट आर्टरियम में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वहां पे क्या लगा हुआ है? बाइकस्पिड वॉल्व, जो आर्टरियम से वेंट्रिकल में ब्लड तो आने देगा लेकिन वापस लेफ्ट आर्टरियम में नहीं जाने देगा। तो फिर ब्लड कहां जाएगा? ब्लड चला जाएगा मेन आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, प्योर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने, मीन्स ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने। कहाँ? बॉडी सेल्स में, बॉडी टिश्यू में, बॉडी ऑर्गन में। ओके, तो बॉडी ऑर्गन में फिर क्या होगा? आपको पता है ऑक्सीजन वहां पे रखा जाएगा, वहां के CO2 को फिर से वो एब्जॉर्ब करेगा ब्लड वेसल्स। फिर कहाँ? वेन के थ्रू कहाँ पहुंचेगा? हार्ट में पहुंचेगा। इस तरह से ये सर्कुलेट करता रहता है ना? आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? फंक्शन ऑफ हार्ट मीन्स हार्ट में रैदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। हार्ट जब एक बार पचकता है तो सिस्टोलिक प्रेशर, जब एक बार फूलेगा तो डायस्टोलिक प्रेशर। तो हार्ट का एक रैदमिक पोजीशन होता है। मैंने आपको बताया कि 0.3 सेकेंड में सिस्टोलिक होगा और 0.5 सेकेंड में क्या होगा? डायस्टोलिक होगा, यानी 0.8 सेकेंड में एक हार्ट बीट कंप्लीट होगी। उस हार्ट बीट में क्या करता है? ये वेन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा और आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजेगा। यही काम होता है हार्ट का। सो हार्ट इज अ मस्कुलर पंप, जो कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। और मैं आपको बताता हूं, हार्ट का जो ये वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये वाला ये जो खाली है, ये मसल्स है यहाँ पे, कार्डियक मसल्स। और इसमें ये दो आपको वॉल दिखाई पड़ रहा होगा, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, पेरिकार्डियम लिक्विड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम लिक्विड।
ये क्या करता है, हार्ट को बाहर के जल से मिस धक्कों से बचाता है, पेरिकार्डियम लिक्विड। ओके सो कम टू द पॉइंट, हार्ट का फंक्शन हमने देख लिया, हार्ट के 4 चैम्बर्ड हैं। किस अब आपको ये पता चल गया होगा कि हार्ट के राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होगा, हार्ट के लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होगा। हार्ट का राइट साइड किसी भी तरह से लेफ्ट साइड में मिला नहीं हुआ है। तो देखिए हार्ट से 2 सर्कुलेशन हो रहा है, ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन होता है। देखिए सर्कुलेशन का मतलब क्या है, सर्कुलेशन सर्किल वर्ड से निकल के आया है, सर्किल का मतलब गोला, क्या होता है सर्किट का मतलब गोला। जैसे एक चीज यहां से अगर चले फिर यहीं पे चला आए, यहां से चले फिर यहीं पे चला आए, तो ये देखिए सर्कल बन गया, बन गया ना, जैसे अब यहां से चलेगा फिर यहीं चलाएगा तो एक सर्कल बन जाएगा। ओके तो सर्कुलेशन का मतलब होता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन का मतलब होता है कि ब्लड जो है चारों तरफ फ्लो होकर के फिर वहीं पे आए, ब्लड चारों तरफ फ्लो होकर के फिर वहीं पे आए। तो देखिए ह्यूमन बींग्स में क्लोज सर्कुलेशन है और डबल सर्कुलेशन है, ये आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, इन ह्यूमन बींग्स क्लोज सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मीन्स हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन टू हार्ट। मीन्स अगर हम यहां पे जैसे ये लिखते हैं, यहां पे लिख दिया हमने बॉडी ऑर्गन्स और यहां पे लिख दिया हमने हार्ट, क्या लिख दिया हार्ट। तो एक बार हार्ट से बॉडी ऑर्गन में ब्लड जाता है फिर बॉडी ऑर्गन से हार्ट में आता है, ये तो क्लियर होना आप। मीन्स ये हार्ट में फिर बॉडी ऑर्गन में फिर हार्ट में फिर बॉडी ऑर्गन में, मीन्स एक सर्कल तो ये बन गया, बन गया ना। अब उसके बाद देखिए एक बार हार्ट से ब्लड जो है लंग्स में जाता है, कहाँ जाता है लंग्स में जाता है, और फिर लंग्स से हार्ट में आता है। देखिए ये हार्ट से देखिए इम्प्योर ब्लड लंग्स में गया और लंग्स से फिर हार्ट में आ गया ना। मीन्स हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, तो एक सर्कल ये बन गया। तो एक ये देखिए हार्ट यहाँ पे है, यहाँ लिख देते हैं बॉडी, क्या लिखेंगे बॉडी। देखिए बॉडी ऑर्गन से हार्ट में जा रहा है, हार्ट से बॉडी ऑर्गन में आ रहा है, एक सर्कल ये एक सर्कल ये, तो सर्कुलेशन जो हो रहा है बॉडी में वो डबल सर्कुलेशन हो रहा है। आपको डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया ना, मीन्स बॉडी ऑर्गन टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, इस तरह से ये सर्कल चल रहा है, सर्कुलेशन चल रहा है, और हार्ट टू लंग्स और लंग्स टू हार्ट, एक सर्कल ये चल रहा है, तो डबल सर्कुलेशन हो रहा है इसमें। याद रहे आपको डबल सर्कुलेशन से क्या होता है, इसमें प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड कहीं पे मिलते नहीं है। मीन्स इसमें जो शुद्ध रक्त होता है और जो अशुद्ध रक्त होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं, कहीं भी मिलते नहीं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे सपोज दैट आपने देखा, क्या देखा, जैसे यहां पर हम इस तरह से बना देते हैं 4, जैसे सपोज दैट ये हार्ट है, हार्ट से हार्ट में जो है देखिए यहां से ब्लड आएगा, ब्लड इसी पार्ट में रहेगा, देखिए राइट अट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, ये जो इम्प्योर ब्लड आया राइट अट्रियम राइट वेंट्रिकल से फिर कहां चला गया, लंग्स में चला गया। मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट मींस पूरे बॉडी से हार्ट में आया, हार्ट से लंग्स में चला गया, ये वाला पार्ट हम इसको ऐसे बनाते हैं, ब्लू कलर से बना देते हैं। मींस इंप्योर ब्लड पूरे बॉडी से आया हार्ट में और हार्ट से चला गया लंग्स में, तो देखिए कहीं भी मिला नहीं है, राइट अट्रियम राइट वेंट्रिकल और फिर ये चला गया लंग्स में, कहीं मिला प्योर ब्लड से नहीं मिला, ये इम्प्योर ब्लड कहाँ चला गया लंग्स में, और लंग्स में आपको पता है CO2 को रख करके ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा, ये ऑक्सीजन लेते ही ये क्या बन जाएगा प्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर प्योर ब्लड कहाँ पे आता है हार्ट में आता है। प्योर ब्लड देखिए कहाँ पे आया, लेफ्ट अट्रियम में लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर पूरी बॉडी में चला गया, मीन्स इम्प्योर ब्लड से वो कहीं मिला नहीं। फिर ये देखिए लंग्स से बॉडी ऑर्गन, लंग्स से हार्ट में और हार्ट से पूरे बॉडी ऑर्गन में चला गया, तो प्योर ब्लड देखिए इधर है और बॉडी ऑर्गन में O2 लेके जब जाएगा तो यहां CO2 ले लेगा, फिर ये इम्प्योर बन जाएगा। तो देखिए इम्प्योर ब्लड एक तरफ प्योर ब्लड तरफ, कुल मिलाकर के डबल सर्कुलेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसमें प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड कहीं पे मिक्सअप नहीं होते हैं। ओके सो कम टू द पॉइंट, हम इसी को एक फ्लो चार्ट में समझते हैं, अभी जस्ट हम फ्लो चार्ट नेक्स्ट स्क्रीन में लेके आते हैं, उसको हम वहां समझेंगे। ओके कम टू द पॉइंट, ये फ्लो चार्ट हम देखते हैं, जैसे अभी आपने देखा हार्ट में किस तरह से वेंस किस पार्ट में
इम्प्योर ब्लड को लेता है, लंग्स में फिर प्योर होने के लिए भेज देता है, फिर प्योर ब्लड को हार्ट के कुछ पार्ट में लिया जाता है और फिर उस प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या है, आपको एक फ्लो चार्ट में हम समझाते हैं। जैसे आपने क्या देखा था, जैसे आपने देखा था हार्ट, हार्ट के ये चारों चैम्बर्स को आपने देखे थे, है ना। वैसे इस हार्ट को हमने देखिए यहां बना दिया है, ये फोर चैम्बर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, एक ये, एक ये। इसके नाम देख लीजिएगा, राइट अट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट अट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। सेम वैसे ही जैसे यहां पे ये क्या है, राइट अट्रियम लेफ्ट अट्रियम, ओके, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, आपको समझ में आ गया ना। तो अब क्या है, राइट अट्रियम से ब्लड फ्लो होगा किधर, राइट वेंट्रिकल में। तो यहां देखिए वही दिखाया गया है, राइट अट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड क्या होगा, फ्लो होगा। लेकिन राइट वेंट्रिकल से फिर ये वापस नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पे वॉल्व लगा हुआ है। कौन सा वॉल्व है यहां पे राइट साइड में, ट्राइकस्पिड वॉल्व, मीन्स हम उसको मिट्रल वॉल्व भी जानते हैं। वैसे ही आप लेफ्ट साइड में देख लीजिए, लेफ्ट अट्रियम से ब्लड किधर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर फिर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि ब्लड का फ्लो एक ही तरफ है। मीन्स लंग्स से जब ऑक्सीजन वाला ब्लड, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लेकर के आएगा, ये देखिए, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है, मीन्स यहां भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। यहां लेफ्ट अट्रियम से ब्लड आएगा कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ। फिर ये लेकर के कहां चलेगा, पूरे बॉडी में लेके जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लेके चला, कहां से लेके चला, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके चलेगा। कहां को जाएगा, पूरे बॉडी में जाएगा। मीन्स पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन जा रहा है, मेन आर्टरी। मेन आर्टरी मीन्स एरोटा, क्या नाम है इसका, एरोटा, जो आगे जाने के बाद डिवाइड हो के आर्टरीज में कन्वर्ट होगा, फिर आर्टरी कैपिलरीज में कन्वर्ट होगा, इस तरह से। मीन्स ये ऑक्सीजन को लेके, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पूरे बॉडी में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। अब बॉडी ऑर्गन के वहां पे ऑक्सीजन को रख देगा, वहां के CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, CO2 को, फिर ब्लड आगे बढ़ेगा। मीन्स अब यहाँ पे CO2 ब्लड आ चुका है, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है। मीन्स जो ब्लड इम्प्योर होता है वो पूरे बॉडी ऑर्गन में इम्प्योर होता है। तो यहां से ये ब्लड को लेके चला, ये ब्लड किसके थ्रू जाएगा, मेन वेन्स के थ्रू, मेन वेन्स के थ्रू, मीन्स वेन कावा जिसको बोलते हैं, वेन कावा, मेन कावा के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड आगे को बढ़ेगा। देखिए ये कहां पे जा रहा है, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड गया राइट अल्ट्रियम में, वेन कावा के थ्रू कहां गया, हार्ट के राइट अल्ट्रियम में क्या पहुंच गया, इम्प्योर ब्लड, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स जिसमें CO2 मिला हुआ है। अब राइट अल्ट्रियम से वो ब्लड कहां चला गया, राइट वेंट्रिकल में चला गया। अब राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा, आपको पता है। फिर देखिए ये निकला CO2 वाले ब्लड को लेकर के, कहां जाएगा ये जाएगा लंग्स में। लंग्स में किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। आपको पता है आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड फ्लो होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा जो राइट वेंट्रिकल टू लंग्स में है। ओके, इम्प्योर ब्लड लेके कहां पहुंच गया, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स में पहुंच गया। और आपको पता है लंग्स में ऑक्सीजन होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रख दिया जाएगा, ऑक्सीजन को जैसे ही लेगा वो प्योर हो जाएगा और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर से हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स प्योर ब्लड हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर एरोटा से आर्टरीज से पूरे बॉडी में जाएगा। इस तरह से बॉडी में ये फ्लो करता रहता है। तो आप यहां डबल सर्कुलेशन देख लिए क्या, हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन टू हार्ट, मीन्स एक सर्कुलेशन ये है और हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, एक सर्कुलेशन ये है, ये है डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन का फायदा क्या मिला कि प्योर ब्लड, देखिए यहां से अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें तो देखिए इधर प्योर ब्लड है पूरा और इधर क्या है, इम्प्योर ब्लड है।
प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड मीन्स ये जो राइट साइड है इसमें इम्प्योर ब्लड, लेफ्ट साइड में है वो प्योर ब्लड फ्लो हो रहा होता है हार्ट में, जो कहीं मिलने नहीं देता। और ह्यूमन बींग्स में क्लोज सर्कुलेशन है, मीन्स ब्लड हमेशा वेसल्स में ही फ्लो होगा, वो कहीं खुला नहीं होगा। देखिए हमेशा किसी न किसी ब्लड में वो ब्लड वेसल्स में ही फ्लो हो रहा है, वो आर्टरीज है, एरोटा है, वेन कावा है, वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी आर्टरीज है, लेकिन वो हमेशा ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करेगा। ब्लड किसके द्वारा? हार्ट उसको फ्लो कराता है, हार्ट में हार्ट बीट होता रहता है। ओके, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पे देखिए जो अर्टरी होती है, जो अर्टरी होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके निकलेगी। आप समझिए इस बात को, आपने पढ़ा था अर्टरी की जो दीवाल होती है वो मोटी होती है। क्या होती है? अर्टरी की दीवाल देखिए मोटी है, और इसमें से क्या ब्लड फ्लो हो रहा होगा। ओके, जबकि हम वेन्स की अगर दीवाल बनाएंगे, वेन्स की अगर दीवाल बनाते हैं दो मिनट के लिए, जैसे ये वेन्स की दीवाल है, ये वेन्स पूरे बॉडी से लेकर के ब्लड को आ रहा है, इसकी दीवाल अगर हम इस तरह से मोटी ऐसे बना दें तो इसकी जो दीवाल है वो बिल्कुल पतली है। ये देखिए इसकी दीवाल पतली है और इसकी दीवाल देखिए इतनी मोटी है। ओके, तो इससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर से जाता है, पूरे बॉडी में ब्लड जो है प्रेशर से जाता है। जैसे देखिए ये मैंने आर्टरी को बनाया, सपोज दैट ये रहा आर्टरी। ओके, ये इसकी दीवाल है, अब इसमें प्रेशर से जा रहा है, अगर ये काट दोगे ऐसे तो प्रेशर से निकलेगा ब्लड जो है, बहुत प्रेशर से निकलेगा। इतना प्रेशर होता है, इसको पारे के सापेक्ष इसको अगर मेजरमेंट करते हैं, जैसे इसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बीपी, ब्लड प्रेशर। एच जी हेल्स, एक साइंटिस्ट एच जी हेल्स ने सबसे पहले बीपी को नापा था, मेजरमेंट किया था, और वो भी घोड़े में किया था, है ना, स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या नाम है? एच जी हेल्स ने एक डिवाइस बनाया, यंत्र बनाया, उसका नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर, उससे बीपी को जो है मेजर किया जाता है। ओके, तो ब्लड प्रेशर जो है मीन्स कितना, 120। तो जब प्रेशर होता है तो इसकी दीवालों में स्ट्रेच होता है, मीन्स जब ये प्रेशर के साथ आएगा तो ये जो इसके अंदर की जो कैविटी है ये स्ट्रेच होगी, जैसे ये इस तरह से ये स्ट्रेच होगा। और फिर जब प्रेशर देखिए हार्ट तो बराबर प्रेशर देता नहीं है, वो रुक रुक के उसमें रिदमिक होता है, है? जैसे जब हार्ट की आप ध्वनि सुनोगे, हार्ट साउंड सुनोगे, तो आपको साइंटिस्टों ने बताया कि दो आवाज़ सुनाई पड़ेगी, सिस्टोलिक प्रेशर में लव की आवाज़ आएगी, डायस्टोलिक प्रेशर में डब की आवाज़ आएगी। मीन्स जिस तरह से सिस्टोलिक डायस्टोलिक्स मीन्स 0.3 सेकंड में सिस्टोलिक, 0.5 सेकंड में डायस्टोलिक, एक धड़कन कंप्लीट होती है 0.8 सेकंड में। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक मीन्स 0.8 सेकंड में सिस्टोलिक डायस्टोलिक। देखिए सिस्टोलिक में कम समय लग रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर से ये भेजेगा, डायस्टोलिक में थोड़ा समय लग रहा है 0.5, थोड़ा समय लग रहा है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक मीन्स ये दबेगा फूलेगा। सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर 0.3 0.5 0.3 0.5, इसमें क्या होगा, जो आर्टरीज होंगी एरोटा होगा उसमें प्रेशर से 0.3 सेकंड में हार्ट जब पुश करेगा ब्लड को तो इसमें प्रेशर से जाएगा तो इसकी दीवार में स्ट्रेच हो जाएगा। और जब वो प्रेशर थोड़ी देर के लिए रुकता है ना, लब डब ऐसे आवाज आती है हार्ट से, आप उसको सुन सकते हो, किससे? स्टेथोस्कोप से, जो डॉक्टर कान में इस तरह से लगा के आपकी हार्ट बीट सुनते हैं उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, उससे आप आवाज को सुन सकते हो, लब डब, है ना, इस तरह से। तो ये 120 mmHg जो आर्टरीज की दीवालों में जो खिंचाव होता है, जो एक्सपेंस होती है, ये स्ट्रेच होती हैं 120 mmHg तक होती हैं। और जब नॉर्मल होती हैं, जब 0.5 वाला सेकंड होता है, जब नॉर्मल होती हैं तो क्या होता है, 80 mmHg। ये नॉर्मल की कंडीशन है। Hg मीन्स ये हाइड्रारगाइनम पारा है, ये मरकरी के सापेक्ष हम इसको देखते हैं कि ये कितना प्रेशर इस पर लग रहा है। तो 120 अपॉन 80 मीन्स एक
स्वस्थ व्यक्ति का बीपी कितना होना चाहिए? 120/80। 120 सिस्टोलिक प्रेशर है, 80 डिस्टोलिक प्रेशर है, mmHg। ओके, 120/80 ये बीपी होना चाहिए। सो कम टू द पॉइंट, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है प्रेशर से भेजता है। और आपको मैं बता दूं, हार्ट के चारों चैम्बरों में जो चार चैम्बर हैं, सबसे मोटी दीवार किसकी होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है। देखिए ये दीवार इसकी इतनी पतली, ये दीवार इसकी इतनी पतली, ये दीवार इसकी इतनी पतली, लेकिन जो वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसकी दीवार मोटी होती है। दीवार का मतलब ये जो पेरिकार्डियम मसल्स यहाँ पे होंगी, कार्डियक मसल्स जो होंगी, यहाँ पे देखिए पतली दीवार है इसमें। क्यों मोटी दीवार क्यों है? क्योंकि इसको प्रेशर से भेजना होता है, ब्लड को पूरे बॉडी में प्रेशर से भेजना होता है। जैसे आपने वो देखा होगा जो आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं गांव में, है भोंपू लिए रहते हैं, दबाते हैं उसको, पौ पौ बोलता है ऐसे। देखिए ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आप समझ जाओगे। ये देखिए ऐसा होता है, वो उसमें इस तरह से लगे होते हैं, फिर ऐसे घुमा घुमा के ये इस तरह से, और यहाँ पे एक ऐसा रबड़ का लगा होता है। जब इसको वो दबाते हैं तो इस पाइप से हवा निकलती है और यहाँ से आवाज़ निकलती है, पौ पौ ऐसा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप ये जो रबड़ है इतना मोटा रहता है, वो मोटा रहेगा तो ठीक है, अगर ये रबड़ एकदम पतला होता, एकदम पतला होता, तो आप उसको जब प्रेस करते तो ये खुद ही फट जाता। जैसे आप इसको अगर तेजी से दबाओगे तो ये खुद फट जाएगा। इसीलिए जो रबड़ होता है, रबड़ का जो बॉल होता है हवा भेजने के लिए इसमें से, तो ये मोटा होता है। ओके, इसलिए इसलिए फटता नहीं है। तो वैसे भी जब इसको प्रेशर से भेजना है पूरे आर्टरीज में, पूरे बॉडी में ब्लड को, तो इसको तो मोटा रहना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या होगा, इसकी दीवार खुद ही फट जाएगी। सपोज डैड ये इतना पतला है, सपोज करो दो मिनट के लिए, ये इतना पतला है, प्रेशर से भेजेगा तो ये खुद फट जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी जो वॉल होती है वो और चैम्बरों की अपेक्षा कंपैरिजन में ज़्यादा मोटा होता है। ओके, तो जिससे वो बीपी ब्लड प्रेशर वो बना पाता है, कितना होता है, 120/80 mmHg। सबसे पहले हेल्स ने घोड़े में देखा था बीपी को। ओके, कम टू द पॉइंट, हार्ट्स पे कुछ फैक्ट्स को हम देखते हैं। ओके, द जॉब ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड अराउंड आवर बॉडी। अराउंड आवर बॉडी मीन्स जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, वो जो ब्लड वेसल्स में जाता है, ब्लड वेसल्स हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मीन्स एक नेटवर्क बनाए हुए हैं, वो पूरे बॉडी में जो है ब्लड को फ्लो करा देते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इज, वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन विथ हाई प्रेशर, द हैव थिकर वॉल देन आर्टेरिया। मीन्स क्या है, मीन्स हार्ट का जो वेंट्रिकल पॉइंट होता है, मीन्स हार्ट का जो वेंट्रिकल पॉइंट होता है, वेंट्रिकल मीन्स समझ पा रहे हो आप लोग, मैं आपको बताता हूँ, दो मिनट रुकिएगा। वेंट्रिकल्स का क्या है, वेंट्रिकल्स का जैसे ये देखिए, ये रहा वेंट्रिकल। ओके, वेंट्रिकल देखिए, ये पोर्शन हार्ट का जो नीचे वाला पोर्शन, दो चैम्बर है वो वेंट्रिकल है, और ये क्या है, आर्ट्रियम है। ओके, तो वेंट्रिकल की जो दीवार होती है वो मोटी होती है, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया। क्यों? क्योंकि इसको प्रेशर के साथ पूरे बॉडी में क्या, ब्लड को फ्लो कराना होता है, किसको, वेंट्रिकल्स को। तो वेंट्रिकल्स की वॉल मोटी होती है, आर्ट्रियम की जो है पतली होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट्स द मस्कुलर हार्ट। ये देखिए, पेरिकार्डियम जो यहाँ पे लिक्विड होता है वो क्या करता है, पूरे हार्ट्स को जो है प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट फैक्ट, द हार्ट इज अ काइंड ऑफ पंप विच पंप्स ब्लड अराउंड आवर बॉडी कंटिन्यूअसली। देखिए हार्ट तो पंप है, वो भी डबल पंप है, क्योंकि एक लंग्स को भेजता है, एक बॉडी ऑर्गन को भेजता है ना, तो वो जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। यहाँ पे देखिए आपने क्या देखा, कंटिन्यूअसली मीन्स लगातार वो ब्लड को जो है पंप करता रहेगा विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। हार्ट इज अ रियली अ डबल पंप, वो डबल पंप है, क्योंकि आपने देखा था ना क्या, कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं पे मिल नहीं रहते, इसलिए वो डबल पंप है। नेक्स्ट वन इज, ब्लड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी इन टू फॉर्म्स। क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपको पता है जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है।
द ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन इन इट कॉल्ड ऑक्सीजन ब्लड. देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलेंगे, द ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन इन इट, वो क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नेक्स्ट द ब्लड हैविंग नो ऑक्सीजन, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है इट इज कॉल्ड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको हम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे. और सुनिए डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम प्योर ब्लड भी बोलते हैं. नेक्स्ट वन द ब्लड हैविंग नो ऑक्सीजन इन इट कॉल्ड डी ऑक्सीजनेटेड. क्लियर. द हार्ट बीट्स नॉन स्टॉपिंग ऑल द टाइम, द हार्ट बीट्स सर्कुलेट्स द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी. मीन्स हमेशा हार्ट बीट चलता रहेगा 72 to 75 per minute. ओके ये जो रेशियो है ये चलता रहेगा. हाँ जब कभी हम एक्सरसाइज करते हैं दौड़ रहे होते तो हार्ट बीट तेज हो जाता है. क्यों? क्योंकि बॉडी ऑर्गन में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाना होता है इसलिए हार्ट बीट तेज हो जाता है. ओके सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.